50 सीटां दा जिहड़ा साडे बंदे खड़े होणगे जिहड़े चंगे लोग खड़े होणगे जिन्हां दा असीं समर्थन पूर्ण तौर ते करांगे जिहदे विचों हुण लखां दा क्लीयर ही आ। आ खुंडा ने जिहड़े बुढ़े ने गए जिहड़े आ बैठे ने बादल वर्गे आ बादल इस वारी फिर खड़ा होऊगा MLA तुसीं देख लिओ मरन दे किनारे होया पाते उधरों MLA खड़ा होण नूं फिरदा। बेरोजगार मैं नौजवानों को कहना चाहना वो तुसी इन्हां दे रुजगार मंगण की बजाय तुसी इन्हां दे बराबर फार्म भरो जिन्ने तुसी वध बराबर इन्हां दे फार्म भरोंगे तो इन्हां नूं सेक लगेगा तो तुहाडे कनेडा अमरीका वर्गी तो जिहड़े चंगियां कंट्रियां वर्गी तो तुहाडे इस पंजाब दे विच राजनीति आउणी आ। जिते भी कितें जाते एक ही गल कहते होंगे भी पंजाब के गदार लोग ने जिहड़े अकाली कांग्रेसी इन्हां नूं वोट ना पायो आ बिच आम आदमी पार्टी वाले कितना घट ने यह दिल्ली की निकली हुई पार्टी है केजरीवाल कितना घट है जिहड़ा बंदा दिल्ली का यार वो पंजाब का कदे भला सोच नहीं सकता भी जिन्ने थावां ते बोलते होंगे भी इन्हों वोट ना पायो पर नौजवान उतर के जो स्टेज तो बाद पुछ जाते भाई तू कहना भी अकालियां वोट ना पायो कांग्रसियों वोट ना पायो या जिहड़े अपना दिल्ली वाले झाड़ी वाले झाड़ू वाले इन्हों वोट ना पायो तो फिर वोट किनू पाइए। किसान आगू भी बहुत सारिया थावां ते इह गल्लां बोलते रहे नेगे भी आ साडा सारे बोलते हैं कि जिन्हें भी पंजाब नूं लोक समर्पित ने गए भी आ साडा सरकारां ने सानूं लुट लिया सानूं अकालियां ने लुटा सानूं कांग्रेसियों ने लुट लिया इन्हां ने जिहड़े कानून उह पास कराते फिर असीं जदों किसान आगू भी इह गल कहिंदे नेगे फिर लोग सोचदे नेगे भी सारे जदों सारे गंद इकट्ठा होया राजनीति च फिर असीं वोट किहनूं पाईए। जदों किसान आगू नूं इह गल पुछी जांदी आ भी तुसीं राजनीति चाहोगे ना असीं राजनीति च नहीं आउणा असीं राजनीति च नहीं आउणा पर तुसीं वोट ना पायो। अज उह सवाल आ जिहड़ा उहदा मैं तुहानूं जवाब देण लई जा रहा वैसे तो यह काफ़ी टाइम तो गलबात चल रही थी लखे बाई ने कह ही दिता भी 50 सीटों तो जिहड़ा 50 सीटों तो जिहड़ा साडे बंदे खड़े होणगे जिहड़े चंगे लोग खड़े होणगे जिन्हां दा असीं समर्थन पूर्ण तौर पर करांगे जिहदे विचों हुण लखां दा क्लीयर ही आ होर भी जिहड़े आउण वाले समें दे विच बंदे उह क्लीयर हो जाणे आ जिहड़े जिहड़े चंगे पंजाब दे लोक नेगे इह तुहानूं इह चीज़ दा तुहानूं दस ही दिता भी नौजवानों नूं अज उह सवाल दा जवाब दे दिता क्योंकि बादलों नूं कांग्रसियों इन्हों का कोई प्यो वाला राज नहीं है इन्हों के कोई किसी के प्यो जगीर नहीं दिखाई हुई आ जिहड़े लाल सिंह वर्गे सत सत बारी अठ अठ बारी MLA बन गए लाल सिंह तुसीं बहुत सारे घट लोग जानते होने गांह का मुंडा MLA बन गया गांह पहला प्रकाश बादल CM रहा 5 बारी इस तो बाद सुखबीर बादल इस तो बाद तीजा उन्हों का मुंडा तैयार है तो दोनों उन्हें कुड़ियां तैयार ने एक हरसिमरत कौर बादल तैयार है। अच्छा ये थोड़ा जिहड़ा परिवार है जिहड़ा परिवार का थोड़ा सारा का किरदार पता ही है कि थोड़ा पंजाब को किवें लुट के खा गए तो थोड़े सिख कौम का की उन्होंने सिख कौम का की घाण कर बादल परिवार बारे थोड़ा सबन पता ही है फिर भी जो कड़म चौधरी उन्होंने पिछले लगना क्योंकि लोगों बदला तो देना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। अच्छा बादलों की जी फिर कैप्टन सगा कैप्टन के पहला वो पुरखे वे पहला महाराजे राजे महाराजे तुरे आए हैं फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ज फिर इस तो बाद घरवाली 5-6 बारी MP रहेगी इस तो बाद कुड़ी तैयार है इस तो बाद मुंडे जोड़े मुंडा तो वह नेपाल के बॉडर से बैठा रहा समारक उत्थे जनानीबाजी करता उत्थे शिकार शपूर खेड़ता ये नेगे राज यह नेगे इन्हों के बड़े घराने के इन्हों को ही इच्छा जी इन्हों को जिहड़ियां कुर्सियां तो यही पंजाब के CM बन गए यही पंजाब के MLA बन गए साडे वर्गे लोग हैं भिखारी बन के ना अगे खड़े रहेंगे ने हुण एक ये थोनों देख लिया भी हुण जिहड़ा बदलाव जिहड़ा असीं इस चीज़ के मैं सारिया का मैं लखे बाई दे नाल आ सारा जिन्होंने कहूगा भी लखे बाई आह सीट तो आह बंदे का प्रचार करके आना मैं वह बंदे का प्रचार करके आऊँगा जिवें मर्जी भी आए इस करके सब तो वड्डी गल मैं पंजाब दे अपील करदा बेरोजगार नौजवानों नौजवानों जिन्हें भी टीचर ने बेरोजगार जिन्हें भी पंजाब पुलिस की भर्ती वाले ने गे जिन्हें भी होर महकमे वाले ने जिन्हें भी बेरोजगार नौकरियां लैन लई अज धरने ते डांगा खाई जांदे ने अज कुड़ियां दे भैणां दे चुन्नियां लाई जांदे ने गियां गुत्तां तों फड़ के घड़ीसिया जांदा है। मेरी उन्हां नूं बेनती है भी इन्हां तों हुण जिहड़ा रुजगार मंगणा बंद कर दो तुसीं आप क्यों नहीं इस चीज़ के आ रहे थोड़ी PhD करी हुई है थोड़ी PhD करी हो किसी MA करी हो किसी डबल MA करी हो किसी BEd करी हुई है BEd MA करे वाले प्लस टू अनपढ़ लोगों को नौकरियां मंगते हैं जेडे अनपढ़ MLA बने बैठे ने उन्हों तो नौकरियां मंगन जाने उन्होंने 12 के मूहे धरने लाने किसी तुम्हें बेरोजगार नौजवानों ने यह गल सोची है भी असं आह चीज़ के आ जाइए जिन्हें हुण कोई प्लस 2 BEd MA करे हो कि नौजवान पिंड का सरपंच ही चंगा बन जाए आ बुढ़िया ने थोड़े खुंडा ने थोड़े पंजाब का बेड़ा करके तबाह करके रखता आ खुंडा ने जिहड़े बुढ़े ने गए जिहड़े आ बैठे ने बादल वर्गे आ बादल इस वारी फिर खड़ा होगा MLA तुसीं देख लिओ मरन दे किनारे होया पाते उधरों MLA खड़ा होण नूं फिरदा तुसीं कदे नौजवानों ने बेरोजगारों ने सोचा भी असीं आह चीज़ के भी ध्यान दे लिए एक PhD करया हुआ नौजवान अज चंडीगढ़ के बैठा डांगा खाई जांदा अनपढ़ लीडरां तों हुण की वो नौजवान इस चीज़ बारे सोच नहीं सकते भी जिहड़ा गंद है राजनीति गंद है असीं इस गंद नूं बदलीए असीं इस दे विच आईए असीं इस विच कुदीए कि तुसीं इह नौजवानां ने सोची है गल जे 24 साल का भगत सिंह सीगा भगत सिंह फांसी ते चढ़ गया
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ, ਚੱਕੀ ਪਰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਚਰਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌ ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਣਗੇ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, 10-20 ਜਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਹਾਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇਗੇ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਹ ਕੁਛ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਚਮਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ MLA ਬਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ MP ਬਣਗੇ, ਕੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀਏ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV 'ਤੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV।